हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रीटिंग अ चाइल्ड विटनेस। तो बेसिकली ये वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से जो एक चाइल्ड विटनेस होता है, ठीक है, जो एक गवाह होता है, जो कि एक बच्चा होता है, उसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस वजह से ये न्यूज़ में आया है, इंडिया में क्या क्या लॉज हैं जो रेलिवेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, किस तरीके से इंडिया में जो है बच्चों को ट्रीट किया जाता है अगर वो एक विटनेस के तौर पे कहीं पर मौजूद होते हैं, और उसमें क्या वे फॉरवर्ड है, बेसिकली यही हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं या फिर सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जितने भी बच्चे हमारी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, मैं उनको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहां पर आपको इस वीडियो का PDF अवेलेबल हो जाएगा। उसी के साथ साथ हमारी जो भी टेस्ट सीरीज़ है, जितने भी न्यू प्रोग्राम्स हैं, आपको उन सब की जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां पर जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो अब जानते हैं कि क्यों ये टॉपिक न्यूज में है। तो बेसिकली एक PIL जो है वो फाइल हुई है कर्नाटका के हाई कोर्ट में, जिसके अंदर मांग की गई है कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो इशू हो रखी हैं पुलिस को रिगार्डिंग जब भी कोई किसी भी माइनर का इंटरोगेशन किया जाता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, कि क्या वो गाइडलाइंस जो हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या फिर जो UN का रेजोल्यूशन है उसके अकॉर्डेंस में है या फिर नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं कि UN का जो कन्वेंशन है, तो उस कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989। वो क्या कहता है, इट स्टेट्स डेट इन ऑल एक्शंस कंसर्निंग चिल्ड्रेन whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the children shall be a primary consideration. ठीक है, कोई भी ऐसा एक्शन जिसमें बच्चों को लेकर के कंसर्न है, और उस एक्शन को चाहे कोई भी पब्लिक या फिर प्राइवेट सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन कंडक्ट करवा रहा है या फिर कोर्ट कंडक्ट करवा रही है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ या फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ अगर उसको उस एक्शन को कंडक्ट करवा रही हैं, तो उस केस में जो बच्चे का इंटरेस्ट होगा वो प्राइमरी कंसिडरेशन होगा, वो सबसे प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, यानी कि जो बच्चा होगा उसका इंटरेस्ट का ध्यान सबसे ज़्यादा रखा जाना चाहिए। इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन किया 1992 में, इट मीन्स इंडिया इसका एक सिग्नेटरी पार्ट है। ठीक है, तो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 और इंडिया ने इसको साइन किया 1992 में। इसके बाद जो मुद्दे की बात बनती है कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं चाइल्ड विटनेस को लेकर के, जो कि 2009 में पब्लिश हुई, उसमें क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट जो अथॉरिटीज़ हैं, थोड़ा सा इसे एनालाइज कर लेते हैं, कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो बच्चे को एक केयरिंग और सेंसिटिव मैनर में ट्रीट करेंगी। ठीक है, और इंटरव्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिससे कि जो डिस्ट्रेस या फिर ट्रोमा जो बच्चे को हो सकता है उसको मिनिमाइज किया जाए। ठीक है, सबसे पहला तो केयरिंग और सेंसिटिव मैनर होना चाहिए, उसके अलावा आप ऐसी इंटरव्यू टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे कि जो डिस्ट्रेस या फिर ट्रॉमा बच्चे को हो सकता है वो मिनिमाइज हो सके। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो एक, उसके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए बच्चों के साथ डील करने का। ठीक है, बच्चों के साथ डील करने का, और वो चाइल्ड सेंसिटिव अप्रोच का इस्तेमाल करेगा जब भी वो इंटरव्यू लेगा। तो एक ऐसा इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए जो स्पेशलाइज्ड हो बच्चों को डील करने में, दूसरा वो चाइल्ड सेंसिटिव अप्रोच का इस्तेमाल करेगा। तीसरा पॉइंट इसके अंदर निकल के आता है, जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो अवॉइड करेगा कि रिपीटिशन ना करना पड़े उसको इंटरव्यू के प्रोसेस का, क्योंकि जिससे सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन ना हो बच्चे को। ठीक है, जिससे कि सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन ना हो। तो इसमें थर्ड पॉइंट में क्या है कि आप अवॉइड करेंगे इंटरव्यू के रिपीटिशन को, जिससे कि बच्चे को सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन ना हो। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन क्या होता है। तो बेसिकली कोई भी बच्चा है जिसने क्राइम देखा है वही विटनेस बन सकता है। ठीक है, कोई भी क्राइम देखा या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन देखी है जो कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है, तो वो बच्चे ने देखा क्योंकि वो विटनेस है, तो उसको देख करके एक तो वो वैसी ट्रोमा में है, तो वो उसका फर्स्ट ट्रोमा हो गया, फर्स्ट विक्टिमाइजेशन हो गया। दूसरा, ड्यूरिंग द प्रोसेस जब भी वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उस दौरान बच्चे को दोबारा से जो है ट्रोमा हो सकता है और बच्चा दोबारा से विक्टिम हो सकता है, ट्रोमाटाइज हो सकता है। तो इस चीज़ को कहा जाता है सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, यानी कि क्रिमिनल एक्ट का डायरेक्ट ना रिजल्ट होने के कारण, बल्कि जो रिस्पॉन्स होता है इंस्टीट्यूशन का या फिर इंडिविजुअल्स का
विक्टिम के थ्रू, उसके कारण जो विक्टिमाइजेशन होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, क्यों था न्यूज़ में। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ, जिसमें है कि एज क्या होनी चाहिए। ठीक है, एज क्या होनी चाहिए किसी भी विटनेस की, किसी भी गवाह की जो एज है वो इंडिया के अंदर क्या होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के आगे जो है प्रस्तुत हो सकता है एज एन एविडेंस या फिर टेस्टिमनी किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में जो भी केस में इन्वॉल्व है, उसे एक विटनेस माना जाएगा। ये विटनेस की डेफिनेशन है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट और ट्रिब्यूनल में जो है मौजूद हो सकता है एज एविडेंस या फिर टेस्टिमनी और किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में, उसको विटनेस माना जाता है। एज की अगर बात करते हैं तो अंडर सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 विटनेस की कोई भी मिनिमम एज नहीं होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें पॉइंट की, चिल्ड्रन एज यंग एज 3 years old हैव बीन विटनेसेस बिफोर ट्रायल कोर्ट्स इन केसेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। ठीक है, जब भी सेक्सुअल अब्यूज की बात होती है तो कम से कम 3 साल का बच्चा जो है विटनेस के तौर पे प्रस्तुत हो सकता है, फिर मौजूद हो सकता है। उसके अलावा बात की जाती है, एनी पर्सन मे बी विटनेस हु कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस पुट टू हिम एंड रेशनली आंसर देम। कोई भी व्यक्ति विटनेस हो सकता है जो कि क्वेश्चंस को समझ सके और उनका जो आंसर है वो रेशनली दे सके। उसके अलावा द नेचर ऑफ द सेक्शन इज डिसक्वालिफेक्ट्री इन नेचर, मीनिंग दैट इट डिसक्वालिफाइज एनी पर्सन फ्रॉम टेस्टिफाइंग इन द इवेंट दैट पर्सन इज अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड और रेशनली रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस पुट टू हिम। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे क्वेश्चन पूछे गए और वो उनका आंसर रेशनली नहीं दे रहा है, तो उस केस की उस व्यक्ति का जो विटनेस होने का जो दर्जा होता है वो उससे छीना जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यूजली ड्यूरिंग अ ट्रायल द कोर्ट बिफोर रिकॉर्डिंग द टेस्टिमनी ऑफ अ चाइल्ड विटनेस डिटरमाइंस हिज और हर कंपिटेंसी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू गिव रेशनल आंसर। यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा जो ऐसा गवाह के तौर पर मौजूद होता है किसी भी कोर्ट के आगे, उससे पहले उसकी क्षमता देखी जाती है, उसकी एबिलिटी देखी जाती है कि क्या वो रेशनल आंसर्स दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो ये कुछ इंडिया के अंदर जो है क्राइटेरिया है विटनेस को लेकर के। उसके अलावा बात करते हैं कि रेलेवेंट लॉज क्या है इंडियन जुडिशियरी में विटनेस को लेकर के। तो रेलेवेंट लॉज हमारा जो आर्टिकल 39F है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि जो स्टेट है वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि वो चिल्ड्रन को सिक्योर कर सके, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा सके, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सके कि जिससे कि वो एक हेल्दी कंडीशन के अंदर डेवलप हो सके, उनके पास फ्रीडम रहे, डिग्निटी रहे। ठीक है, और उनका जो चाइल्डहुड है और जो यूथ है उसको किसी भी एक्सप्लोटेशन से बचा सके और उनका कोई भी मॉरल या फिर मटीरियल अबंडनमेंट ना हो। ये तो हमारा आर्टिकल 39F कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अलावा बात करते हैं जे जे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो बेसिकली ये जो एक्ट है तो ये क्या है, ये बच्चों से रिलेटेड एक्ट है कि किस तरीके से जो जुवेनाइल को जस्टिस प्रोवाइड करवाया जाएगा, और 2015 का ये एक्ट है। उसके अलावा ये कोई गाइडलाइंस नहीं देता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चनिंग करोगे, इंटरव्यूइंग करेंगे अगर कोई भी चिल्ड्रन कोई भी बच्चा एज अ विटनेस कोर्ट के सामने आता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। सबसे पहला, चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच। जब भी आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चलेंगी या फिर मैटर डिस्पोजल होगा आपका, उस दौरान जो है आप एक चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अपनाएंगे। पुलिस अपनी यूनिफॉर्म में नहीं रहेगी जब भी वो डील करेंगी बच्चों के साथ। उसके अलावा स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ठीक है, इसमें क्या है कि जब भी इंटरव्यू होगा बच्चों का, कोई भी उनसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, तो उसको कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिट होंगी पुलिस की जो कि डील होंगी, जिनको जो कि ट्रेंड होंगी कि किस तरीके से सेंसिटिवली जो है डील किया जाए बच्चों के साथ, वही स्पेशलाइज यूनिट जो है इंटरव्यू करेंगी बच्चों के साथ। उसके अलावा एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में होगी, वो क्या करेगी अगर कोई भी वायलेशन होता है बच्चों को मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं या फिर जो भी उनके राइट्स हैं उनका, कभी भी वायलेशन होता है तो वो उनका संज्ञान लेंगी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। उसके अलावा बात करते हैं आपका पॉक्सो एक्ट की, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस आती है कि किस तरीके से अगर कोई बच्चा विटनेस के तौर पर आ रहा है तो उसको कैसे इंटरव्यूइंग उसकी की जाए। उसके अलावा ठीक है, और गाइडलाइंस बेसिकली जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के विक्टिम्स होते हैं उन्हीं केसेस में ये आती है। सबसे पहला है कि जो आपका भी इंटरव्यू होगा वो एक सेफ़ न्यूट्रल चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में होगा,
ठीक है। उसके अलावा आप उनका घर पे भी इंटरव्यू कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चों को बार बार आप नहीं पूछेंगे कि क्या देखा बेटा आपने, क्या देखा, क्या हुआ था, क्या हुआ था, बार बार उनसे मल्टीपल टाइम क्वेश्चन नहीं करेंगे। उसके अलावा एक सपोर्ट पर्सन भी रह सकता है उस बच्चे के साथ में, उसको काउंसलिंग, इसको एक काउंसलर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा कि जिससे कि बच्चे के ऊपर जो पढ़ने वाला स्ट्रेस है या फिर ट्रोमा है उसको कम किया जा सके। तो ये सारी चीज़ जो है पॉक्सको एक्ट के अंडर में आती है। अब उसके आगे बात कर लेते हैं हम वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि आप जो इतने भी एविडेंसेस होते हैं वल्नरेबल विटनेस के क्रिमिनल मैटर्स में, उन सबकी रिकॉर्डिंग करिए। वल्नरेबल विटनेस वो व्यक्ति होगा जिसकी 18 साल की एज अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसके अलावा जो गाइडलाइंस है, कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देखने को बनती है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जिसको जिस जिससे पता लगता है कि जो हमारा सिस्टम है काफ़ी एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है, वो काफ़ी सेंसिटिव होकर जो है काम करने की कोशिश करता है, और एज अप्रोप्रिएट मैनर है उसके पास कि किस तरीके से बच्चों के साथ डील किया जाए। वो हर किसी को एक तरीके से डील नहीं करता है, एज के हिसाब से, वहाँ की मैटर की सेंसिटिविटी के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करना जानता है जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। इससे ये चीज़ पता लगती है। तो डेट इज़ ऑल विद दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर नॉलेज थी, और कोई भी आपके सजेशन से या फीडबैक से आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताइए। वी विल वर्क अपॉन डेट, और तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।